बेरोजगारी व निजीकरण के खिलाफ सपाइयों ने अलग अलग जिला मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन, बोले जुमलेबाजी नहीं रोजगार चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बैठक की अध्यक्षता की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश पिछड़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था रोजगार दोनों चौपट है। कोरोना के 75 लाख टेस्ट कराने वाला पहला राज्य बना यूपी, 30 सितंबर से पहले 1 करोड़ जांच करने का दावा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में ट्राली ट्रैक्टर लेकर घुसे, तोड़ी कुर्सियां, जमकर किया हंगामा। पीएम मोदी के जन्मदिन सेवा सप्ताह शुरू, काशी में ब्लड डोनेट कराने से बचते नजर आए भाजपा के बड़े पदाधिकारी, अलीगढ़ में भाजपाओं ने 60 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। यूपी में 10 आईपीएस अफसरों के तबादले, 7 जिलों के कप्तान बदले गए, युवा चेहरों को मिली बड़े जिलों की कमान। वाराणसी में जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे सपाई, पुलिस ने बरसाई लाठियां तो कार्यकर्ताओं ने किया पथराव। सीतापुर में हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत, अन्य परिवार के 4 लोग झुलसे। अगले 24 घंटे में नई मानसून हवाओं के आसार, 5 दिन तक यूपी के कई शहरों में भारी बारिश की चेतावनी। आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर आरोप लगाने वाले कारोबारी की कानपुर में मौत, भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे 2 आईपीएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश, विजिलेंस ने शासन को भेजी रिपोर्ट। लखनऊ नगर निगम की पहल, अब दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, संपत्ति का ब्यौरा देकर ऑनलाइन जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स। प्रयागराज में 17 साल से जिस जमीन पर अतीक अहमद का था वह कब्जा, योगी सरकार ने कराया खाली। बदायूं जिले के उसाही इलाके में असलाह बनाकर बेचने व खरीदने का गिरोह बंडाखोर, 8 गिरफ्तार, 80 असलहे बरामद और पकड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर गैंग। बदायूं के बिस्लौनी नगर में नाबालिग से रेप, हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में किया गया रेफर, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। शाहजहांपुर में हरियाणा की 40 पेटी शराब बरामद, कई गिरफ्तार, नकली फाइटर कंपनी का रैपर व QR कोड लगाकर करते थे बिक्री, QR कोड स्कैन करने पर पता लगा कि शराब तोहफा ब्रांड की नहीं थी। महोबा में कारोबारी की मौत पर सियासत शुरू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को महोबा जाने से पुलिस ने रोका, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा जंगल राज का भयावह रूप है ये घटना। कानपुर शूट आउट के 2 महीने बाद ईडी एक्टिव, गैंगस्टर विकास दुबे के परिवार और उसके खास साथी जय वाजपेयी पर जल्द होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, संपत्तियों की होगी जांच। मऊ में प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को सौंपा गया ज्ञापन। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।